new activity, and our today's activity is the information about bad effects of mobile phone by excessive using. हम मोबाइल को आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और इसके हमारे ऊपर क्या बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो आज हम आपको एक छोटे से प्ले के द्वारा दिखाएंगे, तो आप उसको अच्छे से वॉच करेंगे. ओके, बेटा मैं काम कर रही हूँ, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, आप पापा से समझ लो. बेटा मैं अपना बिजनेस वर्क कर रहा हूँ, आप जाओ और अब अभी आपकी ट्यूशन वाली मैम आएगी और उससे समझ लो, मेरे पास टाइम नहीं है. अरे ना मम्मी के पास टाइम है ना पापा के पास. सुनो मैं भैया के साथ फोन ही देख लेती हूँ. नमस्ते सर. नमस्ते सर. अरे इनके पास तो टाइम ही नहीं है, जब देखो तो फोन में ही लगी रहती है. नमस्ते माँ जी. नमस्ते बेटा. अरे आप तो यांशी को पढ़ा रहे हो, यांशी तो बहुत अच्छी बच्ची है. हाँ बेटा, ये दोनों तो फोन ही चलाते रहते हैं. गुड आफ्टरनून श्रीराम. जब देखो जब तो आप फोन में ही लगे रहते हो. टेक आउट योर नोटबुक, आपने कल वाला होमवर्क किया? यस मैम. शो मी, शो मी योर नोटबुक. आपने क्या रोल रखना होमवर्क? शो मी योर नोटबुक. अरे अरे रुद्र, आपने तो होमवर्क ही नहीं किया ना दीपांशी, आपने किया, किस वजह से नहीं किया? आपको आपने तो होमवर्क ही नहीं किया. ये सब समझ नहीं आया. चलिए मैं आप दोनों को ये सब समझा देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे हमें 62 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम 4 टू जा 4 का टेबल 2 तक बोलेंगे, उसके बाद 4 का टेबल 6 तक बोलेंगे. आया समझ में? ओके अभी आपने तो ये सब करके दिखाऊंगी. ये टेक योर नोटबुक. आज मैंने आपको ये सब समझा दिया है रुचि दीपांशी, और कल वाले क्लास में फिर से आके आपके नोटबुक चेक होंगे और आपको ऐसे 10 सम्स करके दिखाने. ओके आप अपनी प्रैक्टिस करोगे. नाउ आई एम गोइंग एंड डू योर वर्क. अरे मुझे तो ये सब समझ में नहीं आया, चलो मैं तो अपना गेम ही खेल लेती हूँ. ठीक है मैं भी अपना गेम खेल लेता हूँ. नेक्स्ट डे. नमस्ते सर. जब देखो जब रुद्र दीपांशी. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. आप आज फिर से फोन चलाते हुए मिले हो मेरे को. सिट डाउन. आपने अपना होमवर्क किया? नो मैम, मेरे को वो सब समझ में नहीं आया. क्यों क्यों नहीं समझ आया? शो मी योर नोटबुक्स. चलिए आज मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ, क्योंकि 4 डे से मैं आपको वही सब समझा रही हूँ और आप अपना होमवर्क ही नहीं फिनिश करते हो. ये देखिए यहाँ पे हमने 4 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम 6 का टेबल 2 तक बोलेंगे. 6 0 जा 6 1 जा 6 2 जा 12. नाउ वी विल राइट 2 हियर एंड 1 गोज ऑन द नेक्स्ट स्पेस कैरी. 6 4 जा 6 4 जा 12. ये है आपके फोन यूज करने का रिस्पॉन्स. 6 4 जा 24. और 24 में जब हमने 1 ऐड किया तो वी गेट 25. कल आपकी नोटबुक फिर से चेक होगी और आपको इसकी सम्स करके दिखाएंगे. अभी आप बैठ के प्रैक्टिस करोगे, फोन नहीं चलाना है. ओके चलो मैं तो आज आपके मम्मी पापा से और आपकी दादी जी से बात कर लिए जाऊंगी. माँ जी भाई साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है. अब मैं भाई साहब मुझे आपसे बात करनी है. अब मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकती. आप अपना ड्यूटी चैलेंज कीजिए. 10 से मैं उनको वही मल्टीप्लाई के सम करके दिखा समझा रही हूँ, वही नहीं करके दिखाते हैं वो मेरे को, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका. अरे मैम हम आपको पे किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं कि आप हमारे बच्चों पे और ज्यादा ध्यान दो. अगर उनको नहीं आ रहा है तो आप उनको समझाओ. सिर्फ पे करने से बच्चों को पढ़ाई नहीं आती है. अब पेरेंट्स को भी उनके ऊपर ध्यान देना होता है, उनको टाइम देना होता है. वो जब देखो मैं तो तब भी आती हूँ, आप भी फोन चलाते रहते हो, आपके बच्चे भी फोन चलाते रहते हैं. आप अपना न्यू टीचर अरेंज कर लीजिए, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती. नहीं मैम प्लीज. हमने पिछले वर्ष में तो अब रात के साथ
नहीं माँ जी, मुझे सैलरी ऐसी सैलरी नहीं चाहिए जिससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हूँ, ना बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, ना इनके पेरेंट्स उन पे ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए स्कूल से और ट्यूशन से थोड़ी ना बच्चा पढ़ लेता है। वेरी गुड बेटा, वाओ वेरी गुड मेरे बेटा, शाबाश। अरे आप दोनों वहां क्यों खड़े हो, आप भी अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मम्मा मम्मा आज हम फेल हो गए। सो स्टूडेंट्स, आज आपने प्ले एंजॉय किया? आपने देखा कि रुद्र और दीपांशी और इनके पेरेंट्स सारा दिन फोन चलाते रहते हैं ना, तो और इनको ट्यूशन टीचर पढ़ाने आती है फिर भी इनकी कोई पोजीशन नहीं आई, उल्टा ये क्लास में फेल हो गई। और यांशी हमेशा अपनी माँ जी का कहना मानती है, अपनी माँ जी के पास पढ़ती थी तो यांशी की फर्स्ट पोजीशन आई है और ये दोनों फेल हो गए और उसी क्लास में रह गए। तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि ज्यादा टाइम अपना फोन में वेस्ट करते थे, ज्यादा से ज्यादा फोन चलाते थे और अपने स्टडीज पे ध्यान। सो स्टूडेंट्स, आज आपने प्ले एंजॉय किया? आपने देखा कि रुद्र और दीपांशी और इनके पेरेंट्स सारा दिन फोन चलाते रहते हैं ना, तो और इनको ट्यूशन टीचर पढ़ाने आती है फिर भी इनकी कोई पोजीशन नहीं आई, उल्टा ये क्लास में फेल हो गए। और यांशी हमेशा अपनी माँ जी का कहना मानती है, अपनी माँ जी के पास पढ़ती थी तो यांशी की फर्स्ट पोजीशन आई है और ये दोनों फेल हो गए और उसी क्लास में रह गए। तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि ज्यादा टाइम अपना फोन में वेस्ट करते थे, ज्यादा से ज्यादा फोन चलाते थे और अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं देते थे। तो अभी आपने देखा कि ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से दीपांशी और रुद्र क्लास में फेल हो गए। तो आपको भी इन सब बातों पे ध्यान देना है और मोबाइल को ज्यादा देर तक यूज नहीं करना। और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, आपके बड़े, आपके दादी दादाजी मम्मी पापा होते हैं, वो भी मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, तो आप उनको भी बोलो कि हमें ज्यादा मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा ना अभी रुद्र और दीपांशी, इनके मम्मी पापा कितना फोन चला रहे थे, उस वजह से वो उन पे ध्यान नहीं दे पाए। उनको जो ट्यूशन टीचर से प्रॉब्लम थी वो उनको उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जिस वजह से वो क्लास में फेल हो गए। तो आज आप सभी भी प्रॉमिस करोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करोगे? प्रॉमिस यस, मोबाइल ज्यादा देर तक नहीं देखना, ठीक है? क्योंकि इससे आपकी आई साइट भी कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आई में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? हमें ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर टीवी भी नहीं देखना चाहिए, ओके? Yeah!